तो इन्होंने तरक्की का तो एक भी काम नहीं किया। आज सबसे बड़ी तीन समस्याएं हैं देश के सामने, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, और इन तीनों पे इन लोगों का कोई भी वो नहीं है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अब हमें खूब मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तक लोग कहते थे विकल्प नहीं है, अब इंडिया एयरलाइंस को सब लोग विकल्प की तरह देख रहे हैं कि ये इंडिया एयरलाइंस, जब से इंडिया एयरलाइंस बना है, मेरे पास बहुत मैसेजेस आए, बहुत लोगों के संदेश आए कि इंडिया एयरलाइंस अगर टिक गया, और टिकेगा, अगर इंडिया एयरलाइंस टिक गया तो 2024 में इनकी सरकार दोबारा नहीं बनने वाली। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है एक 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 घर में जाके अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी अपनी कॉलोनी में लोगों से बात करनी पड़ेगी कि इस बार इनको भगाओ। अगर तरक्की चाहते हो, परिवार का भला चाहते हो, अपने पन्ने परिवार की सोचो। और एक चीज है, अंधभक्तों से मत उलझना, देशभक्तों से बात करना। जो देशभक्त है वो आपकी बात सुनेगा, आपके साथ बात करेगा। जो अंधभक्त है उसको देश से कोई लेना देना नहीं है, उसको एक आदमी से प्यार है बस। और दो मिनट में पता चल जाता है कोई देशभक्त है कि अंधभक्त है। जो अंधभक्त है वो देशभक्त हो ही नहीं सकता, और जो देशभक्त है वो अंधभक्त हो ही नहीं सकता। दोनों बिल्कुल अलग अलग जातियां हैं। तो अंधभक्तों से बिल्कुल मत उलझना, वो नहीं मानने वाले। जो देश की सोचते हैं, देश के लिए पीड़ा रखते हैं, उन लोगों से बात करनी है, घर घर जाना है।